हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चली होगी आप सभी की। बेटा, जो हमने लास्ट टॉपिक डील किया था, दैट वाज द ट्रिप्टोफैन मॉडल। ट्रिप्टोफैन ओपन मॉडल हमने डील किया था, और जो आज की क्लास में हमें डील करना है, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें डील करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में दो छोटे छोटे पॉइंट एक्स्ट्रा करवाए थे, एक बार मैं इनको फिर से रिसाइड कर रहा हूँ। होम्योटिक जीन वो जीन है जो बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करें। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट को कंट्रोल करें। अगर इनमें कोई भी म्यूटेशन हो जाए, कोई भी सीक्वेंस चेंज हो जाए, कोई भी गड़बड़ी हो जाए, तो बेटा बॉडी पार्ट गलत पोजिशन पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज म्यूटेशन इन द होम्योटिक जीन रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ वन बॉडी पार्ट इंटू द अनदर बॉडी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट लेग में चेंज इंटू द एंटीना, कि किसी इंसेक्ट में जहाँ पर पैर होने चाहिए थे, वहाँ पर क्या जाएंगे? एंटीना आ जाएंगे। कई बार इवन माउथ पार्ट के ऊपर भी लैग डेवलप हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अबनॉर्मल पोजिशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एनी इंसेक्ट इज ड्यू टू, तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका होम्योटिक जीन। ठीक है, सेकेंड टर्म है, दैट इज द ओंकोजीन। ओंकोलॉजी जो ओंको वर्ड है, दैट इज रिलेटेड टू द कैंसर, तो स्टडी ऑफ कैंसर नोन एज द ओंकोलॉजी। जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर, इन्होंने द ओंकोजीन। वी ओंकोजीन वायरल ओंकोजीन, तब कोई वायरस का जीन, सॉरी कोई कैंसरस जीन तो वायरस में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी ओंकोजीन बोल देते हैं। सी ओंकोजीन, दैट इज द ओंकोजीन प्रेजेंट इन द होस्ट सेल, दैट इज नोन एज द सी ओंकोजीन। एंड लास्ट में, दैट इज द प्रो ओंकोजीन। प्रो का मीन इनएक्टिव। ठीक है, अगर इनएक्टिव ओंकोजीन है इसको प्रोंकोजीन बोलेंगे, जो म्यूटेशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से प्रो से ओंकोजीन में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो स्मोकिंग है, चीविंग है, ड्रिंकिंग है, बैक्टीरिया है, वो इसको कन्वर्ट करवा देते हैं। स्मोकिंग, च्यूविंग, ठीक है, और यूवी रेडिएशन, केमिकल, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इनएक्टिव जीन को एक्टिव में कन्वर्ट करवा देते हैं और हमें कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपका ओंकोजीन। बेटा, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, 12th CBSE का जो चैप्टर है मोलिकुलर बायो, उसमें अभी हमारे दो टॉपिक ही बचे हैं। एक आज हो जाएगा, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा, जो लास्ट रहता है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और दोनों के दोनों टॉपिक आपके, मान लो, बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज HGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, आज ही बेटा हमें डिटेल से पढ़ना है, काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। बेटा, जो HGP है, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ह्यूमन जीनोम है, उनमें सभी जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे, जितने भी बेसिस थी, उन सब की सीक्वेंस का पता लगाया गया था। तो इन दिस प्रोजेक्ट वी फाइंड आउट द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, और ह्यूमन जीनोम भी किसकी? बेस पेयर की थी। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम इन बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर या फिर बेसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया था? सीक्वेंस का पता लगा लिया था। जीनोम क्या होता है बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए हैप्लोइड सेल, दैट इज नोन एज द जीनोम। कि किसी भी हैप्लोइड सेल के अंदर कितना आपका क्रोमोसोम है, वो टोटल क्या कहलाता है? आपका जीनोम कहलाता है। तो ये टर्म पहले भी आ चुकी है, पहले बता चुका मैं, कि बार में फिर से बता रहा हूँ, ये जीनोम, कि जीनोम होता क्या है। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए हैप्लोइड सेल,
टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए हैप्लोइड सेल दैट इन ऑन द जीनोम। ठीक है, अगर बेटा हम हमारी एक सेल की बात करें तो आप बेस पेयर के नंबर बता सकते हैं कि हमारा जो एक सेल में जो बेस पेयर का नंबर है ह्यूमन की किस में, दैट इज नियर अबाउट 3 × 10⁻¹ बेस पेयर। ठीक है, इसको आगे डिटेल से देखेंगे लेकिन अभी सिर्फ एक बार बेसिक बात करते हैं। बेटा ये जो एच जी पी है दैट इन ऑन द मेगा प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं। एच जी पी इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट। अब इसका मेजर मेगा प्रोजेक्ट बोलने का रीजन क्या था वो हमें देखना। बेटा ये जो प्रोजेक्ट था वो 13 यानी कि 13 साल में ये कंप्लीट हुआ। वैसे कंप्लीट तो ये 16 साल लगे लेकिन एस्टिमेटेड था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 13 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बट एक्चुअली में कितने में हुआ, ये 16 साल में कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो टेक रिफर टू 13 इयर्स टाइम। ठीक है, आपको 13 इयर्स मिलेगा, 16 नहीं मिलेगा क्योंकि 13 के बाद में अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि कंप्लीट हो गया है, बट जो लास्ट क्रोमोसोम की बेटा सीक्वेंस थी वो फिर भी पेंडिंग थी जो 2006 में कंप्लीट हुआ था। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1990 में स्टार्ट हुआ था एंड अनाउंसमेंट ऑफ कंप्लीशन कब कर दी थी, 2003 में इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि कंप्लीट हो गया। बट जिसका फर्स्ट क्रोमोसोम था बेटा वो कब कंप्लीट हुआ था, 2006 में कंप्लीट हुआ था, बट सीक्वेंसिंग ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम कंप्लीट इन 2006। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तो 16 साल का टाइम लगा था बट इसके अकॉर्डिंग कितना था, 13 ईयर का था। और जो आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते बेटा वो यही पूछते कि कितना साल लगा था, आपको कभी भी 16 साल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 13 का ही मिलेगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि भाई लास्ट जो फाइनल जो अनाउंसमेंट थी या फिर कंप्लीट कब हुआ, तब आप 2006 यानी कि 16 साल की बात करोगे, अदरवाइज आप 13 ईयर की ही बात करोगे। ठीक है बेटा, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया, तो ये अमेरिका का जो डिपार्टमेंट था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उन दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। तो दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय किस किस के द्वारा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने डिपार्टमेंट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन बेटा इसके बाद में कुछ जो कंट्रीज थी, जो दूसरी कंट्रीज थी, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, बट फर्दर इट वाज ज्वाइन बाय मेजर पार्टनर, कुछ दूसरे पार्टनर थे लाइक जैसे कि बेटा आपका जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज, इन्होंने इसको ज्वाइन किया।
बोला कि यार तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, खर्चा आएगा तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा, तो चलो हम भी कुछ शेयर कर देते हैं जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है। तो जो ये डाटा आएंगे वो हमारे साथ भी आप शेयर करोगे ताकि एक साथ हमारा भी काम चल जाए और आपका भी बेनिफिट हो। तो बोले ठीक है भाई। तो बाद में स्टार्ट किसने किया था? अमेरिका में, लेकिन बाद में इन कंट्री ने भी बेटा इसको क्या किया था, ज्वाइन किया था, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसको मेगा प्रोजेक्ट बोलने का रीजन क्या है वो अभी आपको मैं और डिटेल से बता रहा हूँ कि इसको इतना मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया। रीजन्स टू बी मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया और इसके बेटा कौन कौन से रीजन है वो हमें यहाँ पर देखने, वन बाय वन करके एक ही करके हम डील करते हैं। देखिए सबसे पहला आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी, कितना साल लगे थे, 13 साल, चुक 13 ईयर्स, कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है 13 साल किसी प्रोजेक्ट पे काम करना। इसके अलावा बेटा देखो यहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर को आइडेंटिफाई और सिक्वेंस किया गया। मैंने बताया कि आपको ह्यूमन में था जो, तो आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्वेंसिंग ऑफ कितने बेस पेयर बताया था अभी, 3 × 10⁻¹⁹ बेस पेयर, इतने पता लगाना और इन को बेटा सिक्वेंस वाइज अरेंज करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। दूसरा रीजन ये था। इसके अलावा बेटा एक बेस पेयर की जो सीक्वेंस जाने का जो खर्चा था वो 3 US डॉलर था, ठीक है, $3 खर्च हो रहे थे एक बेस पेयर की सीक्वेंस का पता लगाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग वन बेस पेयर इज US$3, एक का खर्चा आपका 3 का है। अभी तो जो डॉलर की कीमत है वो लगभग 70-75 के आसपास में जा रही है, आप 90 और 2000 के आसपास में देख सकते हो, तो शायद 40 to 50 के अराउंड होगी, ठीक है। तो बेटा उसके हिसाब से अगर खर्चा लगाते हैं तो जो पूरे प्रोजेक्ट के जो एस्टिमेटेड जो खर्चा गया था दैट वाज नियर अबाउट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट वाज दैट इज $9 बिलियन, $9 बिलियन। आप सोच सकते हो कि 9 बिलियन और वो भी फिर आगे डॉलर लगा हुआ तो कितना ज्यादा भारी भरकम खर्चा हो सकता है, ठीक है बेटा। कई बार कंफ्यूज करते हैं तो स्टेटमेंट में, तब देखते हैं कि भाई इसमें से कितने स्टेटमेंट सही और कितने गलत हैं। तो बेटा वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जान करके वो, कि बिलियन की जगह पर मिलियन दे देते हैं। तो याद रखना आप कि जो 9 है अगर आप 9 को उल्टा कर देते हो तो बी दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो 9 दिखाई दे रहा है लेकिन उल्टा है तो बी है, तो ऐसे आप रिलेट करोगे कि 9 बिलियन था ना कि मिलियन था। तो वहां पर कंफ्यूज ना हो, अगर कभी आपको मिलियन मिल जाए तो वो स्टेटमेंट कैसे होगी, गलत ही होगी। इसके अलावा बेटा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारे लार्ज नंबर में साइंटिस्ट, टेक्नीशियन और सपोर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हुई जो अलग अलग कंट्री से आए थे। तो इसमें लिख सकते हैं रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज,
अलग अलग देशों से बेटा उनको बुलाया गया था, ठीक है, क्योंकि इतना स्टाफ अवेलेबल नहीं था। अब दूसरा देखोगे हमारे पास में बेटा जो इन्फॉर्मेशन आई थी है ना, वो 3 × 10^9 बेस पेयर को लिखना था, उसको स्टोर करके रखना था। भाई हमने सीक्वेंस पता तो कर ली, उनको लिखना भी है। अब तब उसको स्टोर करने लगे, तब उसको डाटा को जनरेट करने लगे, उसको लिखने लगे, तो बेटा नियर अबाउट यहाँ पर 3300 बुक्स वर यूज टू स्टोर द डाटा, ठीक है। इतने सारे डाटा को स्टोर करने के लिए लगभग 3300 बुक की रिक्वायरमेंट पड़ी, नोटबुक की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो बेटा ईच बुक हैव 1000 पेजेस, हर एक नोटबुक के अंदर बेटा 1000 पेजेस थे, ठीक है, और ईच पेज हैव 1000 टाइप्ड लेटर एंड ईच पेज हैव 1000 टाइप लेटर, ठीक है। यानी कि एक पेपर के ऊपर हम ATTGCC ऐसे 1000 अल्फाबेट टाइप करते हैं, तब कहीं पे जाके एक पेपर आपका फिल हो रहा था। ऐसे आप सोच सकते हो कि एक बुक में बेटा 1000 पेपर, और ऐसे 1000 पेज वाले कितने बुक, 3300। इनकी पूरी की पूरी हमारे पास में एक लाइब्रेरी ही बनके तैयार हो गई, ठीक है। अब मान लो भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने नोटबुक में लिख लिया, अब इनको हम चाहें तो लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मान लो कभी उस लाइब्रेरी में गलती से आग लग गई, ठीक है, गलती से फ्लड आ गई, ठीक है, गलती से अर्थक्वेक आ गया, और मान लो ये भी ना हो कोई इंसेक्ट है, कोई रोडेंट है, माइस या स्क्रेल वगैरह है, उसने किसी नोटबुक को गलती से चोप कर दिया, काट दिया उसको, तो आप सोच सकते हो कि एक हल्का सा जो बाइट भी नोटबुक में, जो एक नोटबुक या एक बुक कोई भी थोड़ी बहुत भी डैमेज हो गई, तो कितना भारी भरकम खर्चा हो सकता था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए यहाँ पर एक साइंस का जन्म हुआ, दैट वाज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि बायो का मीन लिविंग और इन्फॉर्मेशन, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तब हम कंप्यूटर साइंस को बायो के साथ में जोड़ दे तो दैट इज नोन एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एचजीपी के दौरान जन्म हुआ किसका, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। बोला गया कि भाई हम इन डाटा को नोटबुक में, बुक में तो सेव करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए हम इसको कंप्यूटर में भी सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन बायो टू स्टोर द डाटा इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो टेक प्लेस इन इफे ड्यूरिंग एचजीपी। एचजीपी के दौरान ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस का जन्म हुआ था, ताकि ये जितने भी इंफॉर्मेशन हम सबको स्टोर करते जाए, ठीक है। अगर आप कभी हो सके तो गूगल पे बेटा सर्च करके देखिएगा कि एचजीपी रिकॉर्ड, तो आपको पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे ATGCC करके पूरी की पूरी स्क्रीन जो है डेस्कटॉप की, वो आपको कंप्लीट ऐसे छोटे छोटे अल्फाबेट से फिल हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रीजन थे उसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोलने के रीजन, ठीक है। अभी उसके बाद में हम आते हैं गोल ऑफ एचजीपी। भाई एचजीपी का जो मेन इंपॉर्टेंट गोल था वो क्या क्या था, वो हमें यहाँ पर बेटा देखना है। आई होप शायद ये रीजन क्लियर होंगे कि इनको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया। नाउ
इम्पोर्टेंट गोल ऑफ एच सी पी, ये हमें यहाँ पर पहला गोल कि इन्होंने बता दिया कि जो ह्यूमन बीइंग में जो जीन के नंबर थे वो कितने थे, 30,000 के आसपास थे। पहले माना जाता था कि नियर अबाउट 70,000 to 80,000 है, बट इन्होंने बताया कि जो जीन के नंबर हैं वो कितने हैं, दैट इज 30,000 है। ठीक है, तो पहला गोल हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स नियर अबाउट। बेटा आपको 25,000 जीन दे रखे हैं, बट एक्चुअली में हमारे अंदर जो जीन का नंबर पता चला वो 30,000 पता चला, तो इसलिए यहाँ पर नियर अबाउट या फिर अप्रोक्सीमेट 25,000 दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा है जो इंफॉर्मेशन है डाटाबेस वो स्टोर कर ली गई, तो स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, हमने जो 3×10^9 जो बिलियन जो केमिकल बेस पेयर थे उनकी सीक्वेंस को हमने बेटा डाटाबेस में बुक में या फिर कंप्यूटर में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस कितने का, 3×10^9 बेस पेयर का। ठीक है, इतने का। इसके अलावा बेटा ये एक, तब हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई तो हमारे पास में एक टूल बन गया जिससे हम क्या कर सकते थे, किसी भी चीज को इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, और हमने यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी यूज किया डाटा को और ज्यादा बेटर तरीके से स्टोर करने का, एनालिसिस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो कैन यूज डाटा इनटू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में, ड्रग्स इंडस्ट्री वगैरह में उनके। ऐसे भी लिख सकते हैं टू इंप्रूव डाटाबेस एनालिसिस। इसके अलावा बेटा जो कुछ इशू थे यहां पर एक शॉर्टकट यूज करा जाता है ELSI, एलाइजा नहीं है ये, कंफ्यूज मत होना। दिस वन इज द टू सोल एनी, टू सोल एनी इथिकल, ई से इथिकल, एल से लीगल, एस से सोशल और आई से आपका इशू। ठीक है, इन सब इशू को सोल आउट करने के लिए भी बेटा इसका यूज किया गया। ठीक है, इसके अलावा और इसका गोल क्या हुआ भाई, यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ था। इसके साथ साथ में बेटा कुछ जो दूसरे आइडियल मॉडल ऑर्गेनिज्म थे उनकी भी सीक्वेंस का यहाँ पर पता लगाया गया। कई बार पूछते कि ह्यूमन के साथ साथ में और किसकी सीक्वेंस का पता लगाया गया था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो विथ ह्यूमन सीक्वेंस ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म्स वर आल्सो कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड या फिर फाइंड आउट। तो बेटा ह्यूमन के साथ साथ में किसका क्या था, इकोलाई का, अगर आप चाहो तो नंबर लिख सकते हो, बेस पेयर की जो नंबर थे दैट इज 4.7 मिलियन, जो जीन के नंबर है दैट इज नियर अबाउट 4,000। इसके अलावा सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट जिसको आप बोलते हो बेटा, उसमें थे
मिलियन, ठीक है। जीन के नंबर कितने हैं? 6000। इसके अलावा एक आपका आता है ड्रोसोफिला, या फिर उससे पहले एक हम देख लेते हैं आपका निमेटोड है, दैट इज सिनोरेबिडस एलिगेंस, सिनो रेबिडस एलिगेंस, जिसमें बेटा 97 मिलियन बेस पेयर थे। ये बेस पेयर है ना, ऊपर में लिख दूंगा। जो जीन के नंबर थे इसमें, दैट इज नियर अबाउट 18000 जीन थे। इसके अलावा इसके बाद में जो डील किया गया, ड्रोसोफिला मेलेनोगेसर, दैट इज फ्रूट फ्लाई, उसमें बेटा 180 मिलियन बेस पे थे, जीन के नंबर 13000 थे। उसके बाद में एक प्लांट है एबिडोप्सिस, इसमें बेटा बेस पेयर के नंबर 130 मिलियन और जीन के नंबर 25000 थे। और एक ओराइजा सेटिवा, दैट इज राइस, बेटा राइस में जो जीन के नंबर थे, दैट वाज 32000 टू 50000 के आसपास में माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बेस पेयर की बात कर दें तो 43 आ जाएंगे। तो ये तो हो गए बेटा क्या, बेस पेयर के नंबर, और ये हो गए जीन के नंबर। आई थिंक शायद जो गोल है इसका HGP का, वो क्लियर होगा कि इसका क्या गोल था। अभी बेटा हम बात करेंगे किसकी, मेथडोलॉजी की, कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें किन किन मेथड का यूज किया गया। तो बेटा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ मैं। तो ये हुआ HGP का फर्स्ट पार्ट, हम डिटेल के साथ में देखने लग रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो मेथडोलॉजीज हैं, जो मेथड हैं कि कौन कौन से टेक्निक यूज करी गई थी, उनको भी डिटेल से डील करेंगे। आई होप शायद आपको ये पार्ट क्लियर होगा। तो बेटा पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।